हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, राजदूत। ग्राम बैलवा में मानबाग पैलेस न्यू के बीकानवेन स्कूल परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पंडित नरेंद्र मुद्गल, नूर पंडित गीजगुल, गुलाब सुमन अभिषेक मुद्गल, प्रमोद अरविंद ने बताया कि आज के प्रसंग में गोवर्धन पूजा, कृष्ण बाल लीला महाराज कथा, कंस वध का प्रसंग सुनाया गया। गुलाब सुमन प्रमोद के नेतृत्व में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यासपीठ राष्ट्रीय संत पुष्प मुरारी बापू जी के मुखारविंद से आज के प्रसंग में गोवर्धन पूजा, कृष्ण बाल लीला महाराज कथा, कंस वध का वृतांत सुनाया गया। कृष्ण जन्म की जीवन झांकी सजाई गई। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए। संगीतमय श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 14 अक्टूबर को हवन यज्ञ पूजन के साथ पुण्यवृत्ति की जाएगी। इस अवसर भंडारे का आयोजन किया जाएगा जिसमें आसपास के गांव के श्रद्धालु पंगत प्रसादी पाएंगे। इस अवसर पर गुलाब सुमन प्रमोद ने बताया कि संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में रोजाना कथा स्थल मानवा पैलेस परिसर में राष्ट्रीय संत वृंदावन से श्री पुष्प मुरारी बापू के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है एवं सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के द्वारा कथा श्रवण की जा रही है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में अनेक विधायक, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, गण, वार्ड पंच, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभी समाज बंधुओं ने अपनी भागीदारी निभाते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री पुष्प मुरारी बापू ने अपने प्रवचन में कहा कि शक पदार्थ है जग मही, कर मही, नर पावत नहीं। इसका चरित्र का अर्थ यह है कि इस जग में सभी तरह के पदार्थ मौजूद हैं, जिसके नसीब में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलता है। मानव अपने कर्म से अपने अपने जीवन को सुखी और दुखी करता है। अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन सदा अच्छा वितरित होगा एवं कर्म अच्छे नहीं करेगा तो उसका जीवन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा हो वहाँ कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को सुनने से अपनी और अपने परिवार जनों के पाप का नाश होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा मन की शांति मिलती है और उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता है वहाँ एवं उसके आसपास का वातावरण शुद्ध एवं धार्मिक हो जाता है एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के पाप का नाश होता है। मानव को हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। बंधन खुल गए, ताले खुल गए, अंधेरी गुफा में प्रकाश हो गया और कृष्ण को श्री वसुदेव जी महाराज टोकरी में बिठा करके लिटा करके लेकर के गए। यमुना को दर्शन देते हुए गोकुल में पहुंचे, गोकुल में कृष्ण को छोड़ दिया और योग माया को लेकर के आ गए तो बंधन बंध गए, हथकड़ियाँ लग गईं, ताले लग गए। कृष्ण ने मुक्त किया, योग माया ने बंधन में बांध दिया। कृष्ण मुक्त करते हैं और माया बंधन में बांध देती है।